नमस्कार, आइए हम आपको ले चलते हैं एक हरी भरी पहाड़ी पर। 20 साल पहले यहाँ एक बंजर पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन एक व्यक्ति के अपने पूर्वजों के लिए कुछ करने के जज्बे ने इसे हरा भरा और धर्ममय बना दिया। 20 साल पहले पीतृ पर्वत एक बंजर और पथरीली पहाड़ी थी। इंदौर में महापौर रहे कैलाश विजयवर्गीय ने अपने कार्यकाल में पूर्वजों की याद में इस पहाड़ी को संवारने का प्रयत्न शुरू किया था। लोगों ने विजयवर्गीय की बातों को समझा और अपने पूर्वजों की याद में पौधे लगाना शुरू किए। कल की बंजर पहाड़ी आज पीतृ पर्वत के नाम से हरी भरी हो गई है। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अष्टधातु की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले एक सप्ताह से धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जिसमें लाखों भक्तों ने धर्म लाभ लिया। बुधवार को रेड 9 की संपादक प्रियंका पांडे ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से आयोजन को लेकर चर्चा की। तो हम मौजूद हैं पितृ पर्वत पर और हमारे बीच मौजूद हैं प्रबल इच्छा शक्ति राजनीति में रखने वाले, साथ ही प्रचंड धर्म के संरक्षक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। आइए उनसे चर्चा करते हैं। कैलाश जी, पहले तो बताएं कि कैसे ये सब संभव हो पाया, कि कहीं ना कहीं लगता है कि एक स्वप्न है। 72 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा, 108 टन की और अष्ट धातुओं से निर्मित, क्या कहना चाहिए? हनुमान जी की इच्छा है, हनुमान जी की कृपा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसी कल्पना तो हमने भी नहीं की, पर ये हनुमान जी की कृपा से ही सब इतना बड़ा और इंदौर के लोगों का इस स्थान से एक इमोशनल कनेक्शन है। क्योंकि जब हमने इंदौर के लोगों से कहा कि इंदौर की जनता से कहा कि अपने पितरों की याद में पैर लगा, तो अब तक 1 लाख लोग सीधे यहाँ से जुड़े हुए हैं, जिनके कि पितरों के नाम पर पेड़ लगे। तो समझता हूँ देश का यह पहला ऐसा स्थान होगा जहाँ किसी शहर के 1 लाख लोग पेड़ लगे। और वैसे ही त्रिशूल हनुमान जी भी हो गए, तो लोगों की भावना श्रद्धा बहुत ज़्यादा होने लगी। और ये जिन्होंने पेड़ लगाए उनकी इच्छा से ही बनाए, क्योंकि हम सर्वप्रथम माउस पे जब यहाँ पर पितरों को अर्पण करने आते हैं, दर्पण करने आते हैं, तो लोगों ने कहा कि यहाँ मंदिर भी होना चाहिए। हालांकि एक शिव मंदिर है आपका, बोले हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर बने। मूर्तिकार ने कहा कि कितनी लंबी मूर्ति बनाएंगे, जिसकी इच्छा होगी तो बना सकता है, 72 फीट की बना दी। ये सब हनुमान जी की कृपा से हुआ। मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है। आपको बता दें कि राजनीति क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमेशा कुछ नया करने के लिए या इंदौर को कुछ नया देने का प्रयास किया, चाहे वो इंदौर नगर निगम के महापौर रहते, शहर विकास की बात की जाए या समय समय पर धार्मिक आयोजनों की बात की जाए, जिससे सीख कर शायद विपक्ष ने भी इस चीज़ को संकल्पित लिया और कहीं ना कहीं अब विपक्ष में भी धार्मिक आयोजन जो है बोल सकते हैं कि इंदौर में आयोजित होते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा भी। मतलब कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो धर्म के संरक्षक बोला जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि एक नई परिपाटी आपने इंदौर शहर को दी कि समय समय पर धार्मिक आयोजन होना चाहिए, युवाओं को उससे जोड़ करके रखना चाहिए और कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म की जो पताका है उसको लहराने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये मुझे संस्कार मेरे घर से मिले, मेरे माता पिता ने, मैं छोटा था जब तक हनुमान चालीसा नहीं बोलता था, जब तक चाय नहीं लगता, जब तक रामचरित मानस के 10-15 दोहे अर्थ सहित नहीं समझता था, जब तक भोजन नहीं कर सकते थे, रात में भी सोने के पहले माता जी को जोर जोर से रामचरित मानस अर्थ सहित सुनाना पड़ते थे, सोने देते थे। तो बचपन से ही आदत पड़ गई और इसीलिए रामायण मंडल भी बना, भजन गाए हमने, ये संस्कार बचपन से मिले। मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दी। मेरी भी जवाबदारी थी कि ये संस्कार को मैं लोगों तक ट्रांसफर कर, एक बड़ी युवाओं की टीम भजन गाने वालों की, रामायण पढ़ने वालों की हम लोगों ने बनाई, और उसका ही परिणाम है कि इतना बड़ा हनुमान धाम है। कहीं ना कहीं सभी के अंतर मन में ये ख्याल रहा कि आप शिव भक्त हैं समय समय पर, जो कि महाकाल के आप प्रचंड भक्त रहे, और हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा जब स्थापित हो रही थी इंदौर में, तो लोगों के अंतर मन में ये ख्याल था कि आखिरकार कैलाश जी ने हनुमान जी को क्यों स्थापित किया, शिव जी को क्यों नहीं, देवी जी को क्यों नहीं, तो हनुमान जी के पीछे क्या रहस्य? हनुमान जी भी रुद्र अवतार, हनुमान जी भी ऐसा माना जाता है कि शिव
ही होता है जो शिव जी के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए शिव जी हो राम जी हो सब होता तो एक ही है। इसलिए हमारे यहाँ तो कहा गया है कि शक्ति एक ही है, दो अलग अलग से हनुमान जी को जब पाया, शिव जी को जब पाया, राम जी को जब पाया, माता जी को सब एक ही पड़ेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पितृ पर्वत के निर्माण के लिए प्रबल रूप से संकल्पित रहे कैलाश विजयवर्गीय जी। बताया जाता है कि तकरीबन 20 वर्षों से आपने अन्न ग्रहण नहीं किया था और पूर्णतः संकल्पित थे कि इस मंदिर को भव्य रूप देना है, क्या कहना चाहिए? तो मेरा निजी था, इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए जी, भगवान की इच्छा थी आगे इस बात के पसंद। एक बंजर भूमि को आज आपने पर्यटन का केंद्र बना दिया, आज दूर दूर से लोग पितृ पर्वत आते हैं, दर्शन करते हैं या अपना दिन व्यतीत करते हैं, कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं? अच्छा, ये तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लोग आग्रह भी कर पा रहे हैं कि हनुमान जी को कुछ दे के जाइए, हनुमान चालीसा पढ़ के जाइए, सुंदरकांड पढ़ कर जाइए, हनुमान जी को हनुमान चालीसा भेंट करो या सुंदरकांड भेंट करो, बहुत खुश होते हैं, बड़ी कृपा की बरसात करते हैं। मैं इंदौर के लोगों से भी कहूँगा कि आए यहाँ पर हनुमान चालीसा हनुमान जी को समर्पित करें, सुंदरकांड का पढ़ हनुमान जी को समर्पित करें, आपके जीवन में निश्चित रूप से आज युवा जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गलत रास्ते पर है, नशे की ओर केंद्रित है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इंदौर शहर के खास करके युवाओं के लिए, जो कि युवा आपसे काफ़ी प्रेरित भी हैं, आप युवाओं के मार्गदर्शक भी रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि जब जिसके पास एनर्जी होती है, यदि उसकी एनर्जी दिशा सही नहीं मिलती है तो विपरीत दिशा में वो एनर्जी नुकसानदायक भी हो जाती है। तो युवाओं को दिशा देने का काम हनुमान जी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और हम युवाओं को जोड़ेंगे भी यहाँ से, क्योंकि विद्या बुद्धि तेज और बल सब हनुमान जी के पास है, उनके उनसे प्रार्थना करो तो सब मिलता है। युवाओं को इस चीज़ की आवश्यकता, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, तेज चाहिए, बल चाहिए, सब हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी एक आज के समय में जीवंत देवता है, ऐसा माना गया है कि हनुमान जी अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है, और इसलिए हनुमान जी कहीं पर भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं या रामकथा होती है, तो अभी रामकथा भी चल रही है, हनुमान जी कहीं ना कहीं धर्म के प्रति प्रति व्यक्ति को रहना चाहिए सजग, और कहीं ना कहीं उसके संरक्षण के लिए सभी को प्रयासरत रहना चाहिए, और हनुमान की भक्ति में पूरा शहर आज की तारीख में डूबा हुआ है, कुछ ऐसा ही कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कैमरा पर्सन टोनी के साथ मैं प्रियंका पांडे, रेड 91.2। पितृ पर्वत के बारे में एक बात हमेशा चर्चा में रहती है कि कैलाश विजयवर्गीय ने इस पहाड़ी को संवारने के लिए संकल्प लिया था, और संकल्प भी ऐसा कि जब तक पहाड़ी धर्ममय ना हो जाए तब तक वे गेहूं के आटे का उपयोग नहीं करेंगे। अब उनका यह संकल्प पूरा होता दिख रहा है।